Welcome to my channel Chemistry with DNA. I am Noman Ahmed and today we are going to discuss Physical Chemistry Chemical Kinetics lecture number 11. This is lecture number 11. In today's lecture we are going to compare zero order and first order of reaction in BSc part 1. Let's compare comparison of zero and first order of reaction. First order of reaction in which we are compare, which will we will compare zero and first order in the whole lecture. And we are going to discuss three basic things. First we will compare integrated rate law, then we will discuss differential rate law, and the third one we will compare graph and half-life time. So let's discuss number one. If for zero order, the differential rate laws for zero order and first order and graph, this is differential rate law for, what will be the differential rate law for zero order? The zero order rate law says minus dA by dt, change in concentration with respect to time, kA0, where rate is equal to k. It is a constant because a q value 0, 0, anything 0 equal to 1, 1 multiplied by k is equal to k. So it comes to k, initial pay ye is k hai, ye rate jo hai na ye k directly proportional hai ek. Jabki agar hum first order ke liye yehi likhenge to hum ye kahenge d upon a dt is equal to k concentration of a raised to power 1. Ab yani ye concentration a ke power ke directly proportional, yani ye aur iske directly proportional hai. To isme aur isme fark yahi rahega. Agar hum iska graph bana le to hum dono ke graph ko compare karna chahenge. To kaise compare karenge? Sabse pehle agar hum isi graph ko do, यानी एक ग्राफ हम बना लें जीरो ऑर्डर के लिए और एक ग्राफ हम बनाइए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. तो अगर हम रेट, अगर हमने ये दो ग्राफ बनाने हैं, एक हमने जीरो ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, और ये दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो इसमें हमने रेट अगेंस्ट वाई एक्सिस पर हमने रेट रखना है और यहाँ पर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन रखनी है और यहाँ पे भी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन और यहाँ पे रेट. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जीरो के इक्वल है क्योंकि इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो एनी पावर किसी भी इनिशियल रेट जो है ना जीरो हो तो वन की इक्वल होती है. वन का मतलब क्या है कि रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है के के. तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पे ऐसे, यानी रेट यहाँ पे इस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह हम रेट बढ़ाएंगे इसी तरह हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन भी हमारे पास बढ़ेगी. तो ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए है और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो ये दोनों में आपने कंपेरिजन, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे रेट रखा है और एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे इसमें यानी ये यहाँ पे इंक्रीज हो गई, ये साइड पे इंक्रीज हो रहा रेट ऊपर. तो ये दोनों में कंपेरिजन आया. दूसरा जो हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट लॉ. तो अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंपेयर करेंगे तो इंटीग्रेटेड के लिए हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो हमने ये देखा था, अगर आप मेरी प्रीवियस लेक्चर देख ले उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर के लिए था वो क्या था, के इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन डेट टाइम और डिवाइडेड बाय टी. ये हमारे पास एक आई थी, अगर आप मेरी प्रीवियस लेक्चर में देख लें तो ये हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था जीरो ऑर्डर के लिए. और यही अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो निकाला था वो क्या था, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग टू द बेस 10 और
initial concentration divided by concentration at that time. तो ये दोनों में difference है, यानी integrated rate law zero order के लिए है और integrated rate law first order के लिए ये है. अब दोनों के graph को भी देख लेते हैं, दोनों के graph को थोड़ा सा बना लेते हैं. यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो ग्राफ हमने बनाना है ये दोनों टाइम की वर्सेस है, यानी एक साइड पर हमने कंसंट्रेशन एट दैट टाइम, हमने यहाँ पे लिखनी है कंसंट्रेशन एट दैट टाइम, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन एट दैट टाइम और टाइम, और यहाँ पे भी हमने टाइम के अगेंस्ट करना है. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर मैंने ए टी निकालना है तो मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, के डॉट टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट दैट टाइम. अब मैं इसको यहां पे ले आऊंगा तो ए टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के डॉट टी. अब ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास सी कंसंट्रेशन है, ये मेरे पास एम है और टी क्या है, ये एक्स है. तो हम अगर अगेंस्ट यहां पे ये बनाना चाहें तो यहाँ पे इस माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कट है, यहाँ पे कट आएगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर है, ये डिक्रीज हो रहा है, और इसका जो स्लोप आएगा यहाँ पे जो स्लोप आएगा, वो स्लोप हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो हमारे पास, अगर आप इसको हम थोड़ा सा कंपेयर कर लें बाकी से, तो इस स्लोप में हमने ये चीज़ देखनी है कि देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी कंसंट्रेशन है हमारे पास, ये क्या है, यहाँ से डिक्रीज हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, में वक्त के साथ साथ एट दैट टाइम उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है. जबकि अगर हम यही दूसरे में बनाना चाहें, यानी अगर हम इसकी यानी जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाना चाहें तो उसमें एक एक्सपोनेंशियल आता है. एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऐसे एक ऐसे आता है, ये इस तरह के जो कर्व को कहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्राफ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नीचे आ रहा है, इसमें ग्राफ इसमें से नीचे आता है. अब इसमें से हम ये ऐसे निकाल तो नहीं सकते, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे. तो के इज इक्वल टू वन बाय टी, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन बाय ये. अब इसको वहां लेके जाएंगे तो के डॉट टी नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय ये. अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये नेचुरल लॉग से दूसरे लॉग में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इट के डॉट टी इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय एट द टाइम बी. अब अगर इसको मैं इधर ले आऊं तो दूसरी साइड पर यह बन जाएगा equal to zero e minus k dot t. तो ये minus k, देखो ये आपके पास y आ गया, ये आपके पास c, और यहाँ ये आपके पास क्या आ गया minus m, और ये आपके पास क्या आ गया x. तो इसका जो graph आएगा वो exponentially graph आएगा. तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे compare कर दी. तीसरी चीज़ जो है हमारा इसके साथ जो compare करेंगे वो क्या है, तीसरी चीज़ जो हम इस सब कंपेयर करने वाले वो हाफ लाइफ टाइम है. हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए. तो जीरो ऑर्डर के लिए जो हमने हाफ लाइफ निकाला था वो क्या था, हाफ जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो ऑर्डर निकला था वो क्या था, ए जीरो डिवाइडेड बाय, यानी ये हाफ लाइफ हमारे पास ये निकला था टू डॉट के, ये हमारे पास आया था जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ. जबकि दूसरे के लिए हमारे पास जो हाफ लाइफ आया था यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या था, 0.693 डिवाइडेड बाय टी. अगर इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ, इसको हाफ लाइफ कर दूँ तो ये हो जाएगा के. अब इस ये दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी हाफ लाइफ जीरो के लिए ये आया था और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आया था.
अब अगर हम इसी का ग्राफ भी बनाएंगे तो दोनों का ग्राफ भी देखें, इसके ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए और इसका ग्राफ, इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करके बना लेते हैं ताकि, यानी ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए और ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब जारी बात है वाई एक्सिस पे ये है तो हाफ और यहाँ पे भी हाफ। अब देखिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या है कि जो हाफ जो स्लोप बनेगा वन अपॉन टू के बन रहा है, क्योंकि ये को वन अपॉन टू इसके इसके बन रहा है तो वन अपॉन टू डॉट के बन रहा है, यानी इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इसका जो ग्राफ जो स्लोप आएगा, अब आप थोड़ा सा देख लें कि इसका जो स्लोप आएगा क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऐसे, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा 1 2 पॉइंट के पे डिपेंड करता है इसका जो स्लोप। जबकि दूसरे में, जब दूसरे में देखें कि इनिशियल, क्योंकि इसमें टाइम तो है नहीं तो ये इस पर डिपेंड करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर आप फर्स्ट, यानी आप इन डिफरेंशियल रेट का ग्राफ और हाफ लाइफ का ग्राफ देखें तो आपस में स्वाइप हो जाते हैं, यानी ये उसके लिए किसके लिए ये फर्स्ट जीरो के लिए था और ये फर्स्ट के लिए था, जबकि हाफ लाइफ में ये फर्स्ट जीरो के लिए और ये फर्स्ट के लिए। तो ये तीन चीज़ें आज हमने कंपेयर की और हमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लेक्चर को साथ साथ कवर करते जाएंगे तो आपको, अगर आप जीरो ऑर्डर का रिएक्शन देख लें, फिर फर्स्ट ऑर्डर का देख लें, जीरो ऑर्डर का देख लें, फिर आप इंटीग्रेशन रेट ला देख लें, फिर डिफरेंशियल रेट ला देख लें, और आप जब हाफ लाइफ टाइम देखेंगे सब के लिए, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे ना तो आपको उसमें छोटे छोटे मिस्टेक्स नज़र आ जाएंगे कि कौन सी मिस्टेक करनी है और कौन सी नहीं करनी है। आई होप सो यू एंजॉयड द वीडियो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।